हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपके साथ मैं कर रही हूँ एक बड़ी सी अच्छी सी ट्रिक शेयर। अगर आपके पास फालतू वूल पड़ी है, कैसे जैसे कि हम लोगों ने कई बार स्वेटर उधेड़े होते हैं, कुछ भी ऐसे नूडल्स जैसी लुक आती है वूल की, तो उसको सीधा करने में थोड़ा सा लगता है, टाइम लगता है, तो उसका क्यों ना हम कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। इसका हम 3-4 गोले हैं मेरे पास, काफ़ी सारी वूल है, तो उसको 3-4 गोले को एक साथ में अलग से गोला बनाऊंगी लपेट के। ऐसे एक साथ मैंने गांठ लगा लिया और गोला बनाना शुरू कर दिया। वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनने वाली है, आपके घर में काम आने वाली चीज़ है। और DIY जैसे जैसे हम लेडीज़ अपने घर को सजाने के लिए और अलग अलग तरीके से बची हुई चीज़ों को यूज़ करने के लिए करते हैं, वैसे मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत थी और ज़रूरत के साथ साथ मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करने का मन बनाया। अब क्या करना है, क्रोशिया लेना है, मोटा क्रोशिया, और एक अलग कलर की वूल ले लेनी है, उसके साथ एक चेन बनानी है, क्योंकि 3-4 जो धागे थे उनको एक साथ गोला, तो हमने दूसरी वूल का बना ही लिया, तो अभी सिंगल कलर की एक और लेके मैंने लाइट येलो के साथ ये स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास दोनों वूल्स फालतू पड़ी थी। तो मैं बना रही हूँ छोटा सा एक मैट, तो मल्टीपर्पज़ मैट, तो उसके लिए मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए मैंने उतनी लंबी चेन बना ली है। वो आप पे डिपेंड है, आपने कितनी बड़ी चीज़ बनानी है उतनी बड़ी चेन बना लें। एक बार चेन मैंने बना ली है, इतनी लंबी मेरे को चाहिए थी और मैंने उतनी ही बना ली है। वूल के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को साइज़ की ज़रूरत होती है कि कितनी वूल है, क्योंकि क्रोशिया में ज़्यादा वूल लगती है। तो अभी मैंने जो गोला बनाया था 3-4 वूल को एक साथ जोड़ के उसको ऐड करूँगी इसमें चेन में, उसी के साथ बुनाई शुरू करेंगे। और जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना फ्लफ़ी से मैट, अच्छे वाले मैट लगते हैं जो, वैसा ये बनेगा। इसको एक बार मैं चेन के साथ अटैच करूँगी ताकि ये निकले ना। अब इसी के साथ डिज़ाइन धागे को पीछे करूँगी, धागे को पीछे करके अब इसको बीच में लेके 3-4 गोले के, जो मोटी वाली वूल हम लोगों ने रेडी किया गोला, उसको बीच में लेके जो सिंगल धागा है उसके साथ बुनाई शुरू करूँगी। देखते चलिए आप, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी ज़रूर करना प्लीज़। अभी बीच में मैंने वूल ले ली है लाइट येलो, और ऊपर से मैं इसको बुनना शुरू कर दिया है सिंगल धागे के साथ। ये अच्छा आता है, वैसे सिंगल धागे की जगह आप डबल भी कर सकते थे, लेकिन सिंगल के साथ ना बीच में से ये दिखता रहता है तो अच्छा लगता है, मतलब दोनों कलर साथ साथ दिखते हैं तो डिज़ाइनर सी चीज़ लगती है। तो इसको मैं ऊपर से बुनना शुरू कर दिया, ऐसे इसका प्यारा सा डिज़ाइन शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी लगती है चीज़ देखने में। आप बना के देखोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और साथ में फ़ालतू चीज़ आपकी भी यूज़ हो जाएगी, आपको बाज़ार से मैट भी नहीं खरीदना पड़ेगा, और आपके घर में जो फालतू चीज़ें पड़ी हैं उसमें ऐसे घर भरा भरा सा रहता है बिना बात के, कूड़ा कबाड़ा सा इकट्ठा हुआ लगता है, वो भी आपका काम आ जाएगा, वेस्ट चीज़ फेंकने की जगह। बहुत लोग आग लगा देते हैं फालतू चीज़ को, लेकिन उसको यूज़ करना हमें सीखना चाहिए। तो ये ऐसे बन रहा है, इसको बुनते जाएंगे ऐसे, इसका लड़ी सी रेडी हो गई है, ये देखिए इतनी लंबी, जितनी मैंने चेन बनाई थी उतनी लंबी ये रेडी हो गई है। मैट के एक साइड से मैट बनना शुरू हो गया है, मोटी मोटी ये मैट बनती है, अच्छी भी लगती है। ये आप पे डिपेंड है, आपने कितनी मोटी, आपके पास और ज़्यादा वूल है तो आप उस और ज़्यादा मोटा गोला रेडी कर सकते हैं, 5-6 धागे एक साथ इकट्ठे करके, उतने ही ज़्यादा मैट अच्छा बनेगा, उतनी ही ज़्यादा इसका डिज़ाइनर सी चीज़ बनेंगी। तो इसको बुनते जाइए, काफ़ी सारे डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक चीज़ बनाई है को इजीली हम कोई भी कर सकते हैं, इस डिज़ाइन को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। डिज़ाइनर में ये होता है कि एक तो धागे इतने होते हैं, दूसरा आप डिज़ाइन में बैठ जाएं तो जो पहली बार बुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं क्रोशिया, उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब मैंने दूसरी साइड से बुनना शुरू कर दिया, चेन को उल्टा दिया, धागे को उल्टा दिया उसके साथ,
इसको अगर पकड़ के रखना मुश्किल है ना, तो आप जैसे मैंने पाँव में फंसाया है अभी ज़्यादा वाले धागे को, उसको ऐसे साथ साथ ये चलता रहेगा, पैर में पकड़ा हुआ तो पैर में से धीरे धीरे निकल के धागे आगे बढ़ते रहेंगे और आप बुनते रहेंगे, ऐसे इसको बनाते चलना है। ये देखिए कितना अच्छी चीज़ बन रही है, साथ में जाली भी बन रही है, अच्छी लुक आ रही है इसकी, बहुत प्यारी चीज़ बन रही है, बनाइएगा ज़रूर आप, घर में बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। अब बुन के मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे रेडी हो गया है, इतना बड़ा मोटा चौड़ा ये मैट रेडी हो गया मेरा। शुरू शुरू में पैर में पकड़ना पड़ता है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती है, बड़ा होने शुरू हो जाता है तो मैट आप भाराओं के नीचे को आ जाता है, तो आप इजीली उसको इसके साथ बुनना शुरू कर सकते हैं। देखिए मैंने येलो धागा ऐसे रखा हुआ है, फिर भी वो साथ में चेन में सही आ रहा है और साइड पे भी डिज़ाइन कितने अच्छे बन गए हैं। अब ये बन गया है ऐसे, देखिए कितनी अच्छी चीज़ बनी है, बहुत काम आने वाला मैट है, मोटा भी बना और जाली कितनी प्यारी बनी है। और आप धागे को और ज़्यादा ढीला छोड़ोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी जाली बनेगी, लेकिन मुझे ये था कि थोड़े से मजबूत चीज़ बनाऊँ, तो मैंने धागा इतना ढीला नहीं छोड़ा और ये इसको मैंने बंद कर दिया, ब्लू वाले को काट दिया। और ये येलो वूल मेरे पास ज़्यादा थी, ब्लू वाली इतनी ही थी, तो मैंने वहाँ से निकाल दिया। और येलो के साथ अब मैं इसको साइड्स का डिज़ाइन बनाऊंगी, ये काफ़ी सारे धागे इकट्ठे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक डिज़ाइन तो नहीं बनेगा, तो ऐसे ही हम सिंगल सिंगल चेन के इसके साथ साइड पे लेस सी बना देंगे, लेस बन जाएगी, लेस जैसी चीज़ बन जाएगी, तो ये मैट की लुक भी अच्छी आएगी। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, डिफरेंट सी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर साइड में लेस बना देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अब काफ़ी सारे धागे हैं तो मोटा धागा मोटी चेन निकलती है, तो उसमें ज़्यादा आपको चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चेन बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखिए अभी ऐसी बन गई है ये, क्या बात है, कितनी अच्छी लुक आ रही है, भरी भरी सी लग रही है, और कैसे लहरें से बनी है, जो बुनती की है ना येलो धागे के ऊपर ब्लू से, वैसे लहर सी बन गई है, लंबी लंबी लाइनें सी, और ये साथ में डिज़ाइन बहुत प्यारी चीज़ बनी है, आप ही बना के देखिए। मल्टीपर्पज़ है इसको, आप क्या है कैंपर का पानी जैसे गिर जाता है बच्चों से, वहाँ रख दो, किसी छोटे टेबल को ढक दो, किचन में बहुत सारी जगह काम आता है। तो आइडिया अच्छा लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें प्लीज़, फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके मिलती रहूँगी आपको, बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी आपके साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। देखिए कितनी अच्छी चीज़ बनी है, आप भी बनाइए ज़रूर।